इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। हमारे रिश्ते का तो मान तोड़ ही दिया था आपने, मगर अपने जुर्म में मुझे शरीक करके क्या आपने मुझे भी रूबी और अंकल आंटी का पुत्र बना दिया? कोई झूठी तसल्ली या उम्मीद मत देना मुझे हमसे। पहले ही अपने से जुड़े रिश्तों का झूठ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, सच अंदर देख कर आ रही हूँ। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। मेरी फोन पर बात हुई थी रूमी से। मिसे खालिद बहुत हिम्मत वाली लड़की है, सारे घर वालों को उसी ने संभाला हुआ है। अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। समन, मैं सोच रहा था कि हम वहां जाके उनसे मिल लेते हैं कि आज एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल चले जाएंगे। पर इन द मील वाइल तुम ऐसा करो कि फोन करके पता कर लो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, मैं हमजा से बात कर लेती हूँ। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं हो आती हूँ, रूमी से मिल भी लूंगी और कोशिश करूंगी कि उसको अपने साथ ले आऊं, ताकि वो थोड़ा आराम कर ले यहाँ, फिर हम सब इकट्ठे कल चले जाएंगे। हाँ, पूरी कोशिशों के बाद उनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट हैज बिकम मोर क्रिटिकल। लीवर बिल्कुल फेल हो गया है और अब तो सर्जरी के भी कोई चांसेस नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी रिकवरी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए? जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, हमने जितनी कोशिश करनी थी वी हैव डन इट। क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है जहां पर उनकी रिकवरी पॉसिबल हो सके?
इन लोगों ने तो दो दिन के बाद आना था ना, फिर जल्दी कैसे आ गए? बताया तो था, रूमी के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे अजीब बात नहीं है, दोनों एक साथ हनीमून पे गए, कौन जाता है? तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी? नहीं। तुम्हें हमना कैसी लगी? किताब का नाम क्या रखने वाली हो? कौन सी किताब? नहीं, वही किताब जिसको लिखने के लिए सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ। कोई बुक नहीं लिख रही यार, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, नहीं बताना तो मत बताओ। दुनिया में ना बहुत सारी और प्रोडक्टिव चीजें हैं जानने के लिए, सब स्टूपिड बातों में कुछ नहीं रखा हुआ। ठीक कह रही हो। हेलो हमजा, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, किसी चीज की जरूरत है तो बता दो मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रूमी से मिल लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं खालिद के साथ सुबह आकर मिल लूंगी, तो रूमी की अम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बड़ी बात है, आप अगर हिम्मत हारेंगे तो मुझे हौसला बांध देगा। नहीं है मुझमें हिम्मत आपसे झूठ बोलने की, ना मुझे कोई झूठी तसल्ली या उम्मीद मत देना मुझे। हम पहले ही अपने से जुड़े रिश्तों का झूठ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, सच अंदर देख कर आ रही हूं। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? मैं अगर मस्ताना करोगी तो खुद को बीमार कर लोगी, अंकल का ख्याल कैसे रखोगी? प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं अब्बू को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। प्लीज
मैं शायद ऐसा ना करती अगर मेरा मासी रूमी के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ ना होता तो। खुद को अजियत क्यों दे रहे हो? घर चले जाओ। आईसीयू में जो इंसान है वो मुझे अपना बेटा मानता है, रूमी अपने बड़े भाइयों की तरह लेती है मुझे। मैं खुद गर्ज नहीं हूं कि उनका मान तोड़ दूं, तो किसी और के किए की सजा किसी और को दूं। रूमी और हमजा यहाँ रुक रहे हैं इसलिए मैं कह रही हूँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब रुकना है या चलना है फैसला आपका। मुझे अम्मी के घर ड्रॉप करते हैं, वो अकेली होंगी और मुझे इस वक्त उनके साथ रहना है। एक बात का ख्याल रखिए, आप मुझे बताए बगैर हॉस्पिटल नहीं जाएंगी, चाहे आंटी हो या रूमी। जब भी हॉस्पिटल जाना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं ले जाऊंगा। जी बच्ची
सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमने नहीं आई, हॉस्पिटल में रुक गई। नहीं, आंटी की तरफ छोड़कर आया हूं उसे। आंटी घर पे अकेली थी, मैं जरा आराम करने लगा हूँ, सुबह मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है। हाँ ठीक है, तुम आराम करो, कल मैं और तुम्हारी मामा भी चक्कर लगा लेंगे हॉस्पिटल का। तो तुम्हारे घर वालों की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए? मेरी ख्वाहिश है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है और फिर बाद में शादी उसका इम्तिहान लेती है। क्या अजीब बात है अजीब भाई, आपको पता है जब जब किसी ने मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश की है उल्टा मैंने ही उसका इम्तिहान ले लिया। अगर तुम्हें और हमारे घर वालों को एतराज ना हो तो हम अपनी शादी की तकरीब एक ही दिन रख सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप हमना से पूछ रहे हैं। आपने कभी इश्क किया अजीम भाई? हाँ, निकाह के बाद। और तुमने? टूट के, मरने मारने वाला, बस आखिर में नाकाम हो गया। कैसी है? पता नहीं, इनफैक्ट जो हमना की मर्जी वो मेरी मर्जी। रूमी की बहन है, ऑब्वियसली उसकी पसंद कैसे ज्यादा क्लोज किसको पता होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी दुल्हन इस दुनिया की सबसे हसीन और सबसे अलग लड़की लगे। आपका क्या ख्याल है? जो आपको बेहतर लगे। हाँ, वैसे मैं उम्र में आपसे एक दो साल ही बड़ा हूँ, लेकिन रुतबे में और रिश्ते में आप बड़ी हैं। How about आप इस आप को तुमने बदल दिया? क्या हुआ? क्या सर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है, वो सही से सांस भी नहीं ले पा रहे। चलो देखते हैं। जी वो बेड नंबर 5 वाले जो पेशेंट है अब वो की तबीयत ठीक है? जी आप प्लीज बाहर वेट करें। बताएं तो सही ठीक है कि नहीं? देख रहे हैं, आप प्लीज बाहर वेट करें। प्लीज डर जाइए। सॉरी, सो गया था अंकल के चंगे। थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ, थक गए। नहीं मैं तो अभी कॉफी पीऊंगा और थक उतर जाऊंगा। चले जाओ, बहुत थक गए हो, जिद कर रहे हो। जिद तुम कर रही हो? मैं बोल तो रहा हूँ ठीक हूँ, नहीं छोड़ के जाऊंगा तुम्हें। क्या देखो, थोड़ी देर में हमना और अम्मी आ जाएंगे, मैं अकेली नहीं हूँ।
आफ्टरनून तुम चले जाओ, रेस्ट भी कर लो, थकान भी दूर हो जाएगी और वापसी मेरा एक ड्रेस ले आना। एक शर्त पे जाऊंगा, तुम जैसे कोई काम होगा तो मुझे फोन करोगे। और किसको फोन करूंगी? तुम्हें नीचे से कुछ ला के दूं? पक्का? आपको मैं हलफनामे में लिख कर दूं कि मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा? हम दोनों जरा लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर के पास गए थे हम, इनका बीपी बहुत ज्यादा है। सदीकी साहब, हद करते हैं यार आप। इंसान एक फोन करके बता देता है कि तबियत खराब हो गई है, हमको तो दूसरे शहर चले गए थे, लेकिन नहीं, आपने तो तबियत को सीरियस लेना ही नहीं है। हाँ, जिंदगी मजाक है ना आपके लिए। क्या हुआ? क्या सर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है, वो सही से अच्छा? सांस भी नहीं ले पा रहे। चलो देखते हैं। सुने जी, वो बेड नंबर 5 वाले जो पेशेंट है, वो की तबीयत ठीक है? जी आप प्लीज बाहर वेट करें। बताएं तो सही, ठीक है कि नहीं? देख रहे हैं, आप प्लीज बाहर वेट करें, प्लीज अंदर जाइए। बेटा रूम ऐसा नहीं आई, कैसी तबीयत है उसके अब्बा की? है डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया, पहले बताते तो सर्जरी भी हो सकती थी, इलाज भी हो सकता था। समझ नहीं आता उन्होंने बताया क्यों। बेटियों के बाप है ना बेटा, उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि अपने इलाज के लिए वो अपनी बेटियों पर बोझ डालें या उनके शौहरों पर बोझ डालें।
उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचते या फिर अपनी बेटियों को इज्जत से रुखसत कर देते। लेकिन उन्होंने जो भी किया, एक बाप को वही करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम ऐसा भी उन्हीं की बेटी है, मदर टैचेंस वो डिस्टर्ब थी, लड़ रही थी अपनी मम्मी से। अभी उसके लिए बात समझना मुश्किल होगा बेटा, क्योंकि माँ बाप अपनी तकलीफ को कभी भी अपनी औलाद की तकलीफ नहीं बनने देते। उनकी तो खुद की कोई जात ही नहीं रहती औलाद के बाद। औलाद की खुशी में खुश रहते हैं और औलाद के दुख में दुखी हो जाते हैं, उसको अपना दुख समझ लेते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ है सुनकर। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। बहुत मुश्किल वक्त है मुझ पे। तुम्हारे अबू का साथ देकर, उनकी बात मानकर औलाद की मुजरिम बन बैठी। मम्मी आप फिलहाल ऐसा मत सोचें, बस दुआ करें कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। कैसे ना सोचो, रूमी की नजरों में और लहजे में जो शिकायत, उसका सामना मुमकिन नहीं मेरे लिए। मम्मी, रूमी नाराज जरूर है, लेकिन वो भी ये जानती है कि आपने सब कुछ अब्बू के कहने पे कहा होगा। आप देखिएगा, अब्बू जैसे ही ठीक हो जाएंगे, रूमी सबसे पहले उनसे लड़ेगी और फिर आपसे नाराजगी खत्म। अब्बू और रूमी ऐसे ही हमेशा से, आपको तो पता है। अच्छा चलें, अब आप टेंशन नहीं ले, ठीक है? बस आप दुआ करें कि अब वो बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ जाए। इंशाल्लाह। बेटा, तुमने खामखा अजीम को फोन किया, मेरे साथ चलती रिक्शे पे। अम्मी वो अजीम ने कहा था कि वो मुझे खुद लेकर जाएंगे। Thank you.
I'm sorry. He is no more. बस अजीम भी आते होंगे, फिर मैं भी पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आते हुए दरवाजे ठीक तरह से बंद कर देना। जी अम्मी, शायद अजीम की कॉल होगी, आप यहीं रहे, आ गए होंगे, हम साथ ही चलते हैं। रूमी की कॉल है। अच्छा सुनो, हो सकता है उसने कुछ मंगवाया हो, लेती जाऊंगी मैं। हेलो, विकी साहब की जिद जीत गए अम्मा, छोड़ कर चले गए हम। क्या कहा है रूमी ने? Thank you.
इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा, इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा।